नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रेस 3 का ट्रेलर आए अभी कुछ ही वक्त हुए। ट्रेलर का इंतजार सभी को था, इसे मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। रेस 3 की ये लेटेस्ट न्यूज क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि 2 साल पहले सलमान ने रेस 3 का ये ऑफर ठुकरा दिया था? जी हाँ, सलमान ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान ये बात खुद को बोली। पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मेरे बाउंसर चली गई स्क्रिप्ट, एंड रमेश जी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। एंड आई हर्ड अगेन, एंड देन आई थॉट इट्स अ डिफरेंट जॉनर फॉर मी टू डू, और आई जस्ट नीड सम फ्यू चेंजेस, क्योंकि मैं एज द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई एम डूइंग, आई डोंट फिट द रेस का एक वो जो फिल्म है, जो कि आई हैव नॉट सीन द होल फिल्म्स, बट I've seen his work and I've seen some songs of the film, so I know the genre of the film. So I didn't know where I would fit in the genre. So then Ramesh ji and Shiraz bhai sat on the script and reworked it out, and they came and narrated it to me. And then I realized that this is actually a fun film to do for me. तो सुना आपने, सलमान को लगता है कि वो रेस जैसी थ्रिलर मूवी के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा सलमान ने बताया कि वो रमेश तौरानी को फिल्म में कई चेंजेस करवाना चाहते थे। इसके चेंजेस के बाद ही फिर तैयार हुए सलमान। सलमान के साथ इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस, बॉबी देओल, अनिल कपूर भी स्टंट करते दिखाई देंगे। सलमान खान की फिल्म 15 जून को रिलीज होगी। इसे रेमो डिसूजा डायरेक्ट कर रहे हैं। रेस 3 की टीम इसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। टीम का कहना है कि ये बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग फिल्म है। इसमें इमोशन, एक्शन, म्यूजिक, ग्लैमर सारी चीजें हैं। फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट होने को लेकर सलमान ने कहा है कि हम सबको फिल्म में किरदार के हिसाब से कास्ट किया गया है और सबको किरदार के हिसाब से फिल्म में ट्रीटमेंट दिया गया है। तो अब इस फिल्म में सलमान के होने का फिल्म को कितना बड़ा फायदा मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।